हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मोलर मास हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। एवोगाड्रो नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यही उसका मोलर मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी बिगेन विथ 8 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन विथ ए कंसनट्रेशन ऑफ 0.25 mole per liter। कंसनट्रेशन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डाइल्यूट इट टू वॉल्यूम ऑफ 0.5 liter। व्हाट इज द कंसनट्रेशन ऑफ फाइनल डाइल्यूशन? तो एक और आपको हमने फॉर्मूला बताया था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसी तरह से कंसंट्रेशन लेंगे तो हम लोग लिखेंगे C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये मोलर के रिस्पेक्ट में हम लोग M लिखते हैं। तो पहले का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.25 mole per liter इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 8 ml। C2 कितना है निकालना है और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 liter। ये ml में दिया हुआ है, ये लीटर में दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, चेंज करना है। तो अब अगर इसको निकालना है तो सीधा इसको हम लोग इस पर लेते आएंगे 0.5 liter। इस मिली का यहाँ पे वॉल्यूम अगर रख देंगे हम लोग, इस मिली को हटाना है तो इसका हम लोग वैल्यू रख देंगे 10^-3। आप देखिए, ये अगर माइनस हटाएंगे तो नीचे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हटाएंगे तो ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई होगा और ये हटाएंगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाई। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 टाइम 8 5 सा 40 और नीचे हो गया कितना 1 2 3 4 0 10^4। तो इसको अगर हम लोग दशमलव में ले जाएंगे तो यह जगह 0.004 mole per liter कोई ऑप्शन है, ये सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। पीछे हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 10 ml HCl था और 0.5 molar का कंसंट्रेशन था, इसको 10-fold डाइल्यूशन करना है, यानी कि ये हो जाएगा 0.05 molar per liter। ये 10-fold डाइल्यूशन है, डाइल्यूट किए इसीलिए उससे डिवाइड कर दिया हम लोग 10। अब इसको भी निकाल सकते हैं आप, जैसे कि इसको आप V1 मान लीजिए, इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए। V2 निकालना है टोटल कितना वॉल्यूम होगा, तो अगर C1V1 इज इक्वल टू C2V2 करेंगे तो C1 कितना आपका 0.5 है और V कितना है 10 है। उसी तरह C2 आपका कितना है 0.05 है और V पता नहीं है, V2 निकालना है। तो अगर V2 निकालना है तो इसको हम लोग सीधा इस पर लेते आएंगे 0.05। तो इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई होगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई होगा, ये 10 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 100, यानी कि V2 बराबर कितना निकला आपका 100, यानी कि फाइनल वॉल्यूम आपका होगा 100। आपके पास है कितना 10 है, तो 10 से 100 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 ml ऐड करेंगे। ये दूसरा तरीका है उसको बनाने का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये क्विज़ यहीं पे कंप्लीट हुआ, तो आप मिलाइए कि आपका कितना सही था और कितना गलत है, आप हमें कमेंट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं, कितना स्कोर आया 8 में से कितना सही है आपका।
अब समय है क्विज टू का। इसमें चार क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एम एल ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल 4 मोलर दिया हुआ है। मस्ट बी डायल्यूटेड टू 300 ml प्रिपेयर 0.6 मोलर सॉल्यूशन। ईजी है, बना लेंगे आप, बनाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास, फिर हम आपको बताते हैं। कितना आया आपका? अब हमें कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। इसको भी हम लोग सिंपल फॉर्मूला से बनाएंगे। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यार M1 क्या है आपका? 4 मोलर है। V1 तो आपको निकालना है कि कितना डाइल्यूशन करेंगे, जो कि आपका M2 हो जाएगा 0.6 मोलर, और V2 कितना है 300 ml में डाइल्यूट करना है। तो 0.6 इंटू 300 बाय 4 मोलर। पॉइंट कैंसिल करेंगे एक जीरो से, तो ये हो जाएगा 180 बाय 4। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 4 4 16 20, यानी कि 45 ml। अगर 45 ml 4 मोलर लेंगे हम लोग कंसनट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन, और अगर उसको 300 तक ले चलेंगे हम लोग डाइल्यूट करके, तो वो 0.6 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था हाउ मेनी लीटर ऑफ 0.350 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन यू प्रिपेयर फ्रॉम 400 ml ऑफ 3.6 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना लीटर बना सकते हैं 0.35 मोलर का, यानी कि अगर इसको हम लोग M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के फॉर्मूला पर डालें, तो M1 क्या है 0.350 मोलर वॉल्यूम निकालना है, और M2 क्या है 3.6 मोलर, और V2 दिया हुआ है 400 ml। तो अगर ये निकालना है तो इसको इधर लेते आएंगे हम लोग, 3.350 को ये एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 36 है, यहाँ 35 है, तो अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1.0 समथिंग आएगा। इसको अगर 1 मान लें अप्रॉक्सीमेट हम लोग, तो 4 × 1 कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट 4.1 × 10³ ml, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 4000 ml, यानी कि 4 लीटर के करीब ये आएगा। ये इसका आंसर होगा 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूशन ऑफ 40 ml ऑफ 3.0 मोलर KNO3 विथ 2 110 ml ऑफ वाटर। सेम फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बस ये पता करना है कि M1 कौन सा है, V1 कौन सा है, और M2 कौन सा है, V2 कौन सा है। तो पता करना है कि किससे क्या बना रहे हैं। स्टॉक हमारा है 40 ml ऑफ 3 मोलर KNO3, यानी कि M1 है 3 मोलर, V1 है 40 ml, M2 निकालना है, और V2 210 ml। इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। अगर M2 निकालना है मोलर, तो क्या करेंगे 3 × 40 / 210, इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग, ये 7 से कट जाएगा, और 4/7 mol/L। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ 2 मोलर MgCl2 स्टॉक सॉल्यूशन
एंड वाटर आर नीडेड टू प्रिपेयर 500 ml और 0.4 मोलर सोल्यूशन, यानी कि M2 दिया हुआ है 0.4 मोलर और V2 दिया हुआ है 500, M1 दिया हुआ है 2 मोलर, V1 निकालना है। इजी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अगर V1 निकालना है तो M को इधर लेते हैं हम लोग, तो 500 इंटू 0.4 बाय 2 मोलर, 0.0 से कैंसिल, 2 2 4, 5 2 10 एंड 10 100 ml। इसका मतलब है कि 100 ml 2 मोलर सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करें 500 ml तक, तो उसका फाइनल कंसंट्रेशन होगा 0.4 मोलर सॉल्यूशन। अभी तक जितना सवाल आपने बनाया और हमने आपको बताया, तो आप इतना समझ गए होंगे कि अब जो है मोलर कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। जितना वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है या मोलर बेस्ड क्वेश्चन है, आप डीबीटी में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये सोचकर हमारे साथ नहीं बना रहे हैं कि बाद में बना लेंगे, बाद में कभी नहीं आता, ये छूट जाता है। इसलिए जो करना है अभी करना है, हमारे साथ कीजिए, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकें या हमें मेल कर सकें, ताकि आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो सके। अब समय हो गया है टेस्ट 3 का, जिसमें से 4 क्वेश्चन हैं सिर्फ, और आपके पास 5 मिनट का समय है। आप ट्राई कीजिए, और अब मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा, इतना बता दिया है कि आप इसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। हाँ, मैं इसका फाइनल आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा चारों का। तो 5 मिनट का समय है आपके पास, ट्राई कीजिए और इसका फाइनल आंसर बताता हूँ, और अगर उसमें कहीं डाउट होगा तो हम लोग अगले क्लास इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो DBT में आए हुए हैं, मोलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए और 5 मिनट के बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे।
एक बार फिर से आपका स्वागत है इस MLP के एपिसोड फर्स्ट में। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप वेबसाइट पर हैं तो वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मैं आपको सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। पहला का आंसर है सी, 36 ग्राम ऑफ H2O। दूसरा का आंसर है डी, 4 × 6.02 × 10²³। तीसरा का आंसर है ए, 3.0115 × 10²³। एंड फोर का आंसर है ए, 58.5। आप हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। मैं आपको क्यों कहता हूं कि आप कमेंट करें या हमें मेल करें, ताकि मुझे पता चले कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए कुछ ला सकूं, कुछ बेहतर क्वेश्चंस। अगर मुझे ऐसा पता रहेगा कि आप इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, तो मैं और भी बेहतर क्वेश्चंस और बेहतर कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करूँगा। और अगर आप सिर्फ देख लेंगे, चले जाएंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो इंस्पिरेशन नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं वीडियो डालता हूँ, कोई देखता है, कोई नहीं देखता है। मतलब रेगुलर अगर व्यूअर नहीं है, अगर रेगुलर स्टूडेंट इससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो इररेगुलरिटी हो जाता है। और अगर आप रेगुलरली जुड़े रहेंगे, हमारे वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं, मुझसे सीखते हैं। तो मैं रेगुलर रहने का प्रयास करूँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपके लिए लाने का कोशिश करूँगा। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे पता तो चले कि कितने लोगों ने इसे पसंद किया है। आपको जैसा भी लगे वीडियो, आप सजेशन भी दे सकते हैं। आप कंस्ट्रक्टिव सजेशन के लिए हमेशा वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी लिख सकते हैं, आप उसमें प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। कमेंट में कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है किसी सब्जेक्ट का है, या कोई टॉपिक जो आपको हार्ड लग रहा है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ, उसका एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपके समक्ष ला सकूँ। तो चलिए, जिसका इंतज़ार है कि DBT में मूल कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करें। तो 2016 का है ये पहला क्वेश्चन, उसमें आया था द मोलरिटी ऑफ 15% ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन वाटर। ज़रूर बना लेंगे आप इसको। दूसरा क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिक्स्ड इन ए फॉलोइंग मैनर, 480 ml ऑफ 1.5 mol फर्स्ट सॉल्यूशन, एंड उसमें जोड़ा गया 520 ml ऑफ 1.2 mol सेकेंड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, ये भी आप बना लेंगे। इसके बाद तीसरा है, ए 29% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग ए मोलरिटी ऑफ 3.6 वुड हैव ए डेंसिटी ऑफ। आई होप कि आप तीनों क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर भी मैं एक एक करके इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि द मोलरिटी ऑफ 15% NaCl सॉल्यूशन इन वाटर। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है। NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 58.4 ग्राम। 15% कहने का क्या मतलब है, 15% कहने का मतलब है कि 15 ग्राम इन 100 ml। अगर 100 ml में 15 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा, यानी कि 150 ग्राम। मोलरिटी हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर, ये है। अब हमारे पास सॉल्यूशन 1 लीटर हो गया है, 1000 ml है और 150 ग्राम का वेट है। तो अब हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर हम लोग जानते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अब गिवन मास 1000 ml में कितना है, 150, यानी कि 150 बाय 58.4 ग्राम। तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, ये आपका हो जाएगा 3 के करीब है, 3 से थोड़ा कम है,
तो अगर आप डिवाइड देंगे तो एक ही ऑप्शन इसके करीब है, 2.2.56, ये ऑप्शन इसके करीब है। आप अगर डिवाइड देंगे तो इतना आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मिक्स्ड इन ए फॉलोइंग मैनर। 480 ml ऑफ 1.5 मोल एंड 520 ml ऑफ 1.2 मोलर। तो हम लोग इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है कि जो एम टू वी टू है वो डिफरेंट है क्योंकि मिक्सचर है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनल, जो एम फाइनल होगा वी फाइनल होगा वो बराबर होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू के। तो हमारे पास क्या पता है, फाइनल वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, फाइनल मोलरिटी निकालना है। तो फाइनल मोलर अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू बटे फाइनल वॉल्यूम जो कि आपका 1000 ml है। तो आप निकालिए एम वन वी वन क्या हो जाएगा, 480 इंटू 1.5 प्लस 520 इंटू 1.2 बाई 1000 ml। ये आपका कैलकुलेशन से जो निकलेगा फाइनल मोलर कंसंट्रेशन आपको ये बताएगा। तो 480 को अगर हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और 240 यानी कि 720 हो जाएगा। 520 को जब हम लोग 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 और 260 यानी कि ये हो जाएगा 780। दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1344 और नीचे 1000 है, इसका मतलब 1.344 इसका आंसर होगा जो कि बी नंबर ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 829% H2SO4 हैविंग ए मोलरिटी ऑफ 3.6 वुड यू हैव ए डेंसिटी। डेंसिटी निकालना है ग्राम पर एमएल में, जिसका कि मॉलिकुलर वेट दिया हुआ H2SO4 का 98। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कहने का मतलब है कि गिवन मास बाय मोलर मास। ये हमने अच्छी तरह से याद कर लिया है, आपको याद करा दिया है कि यही मेन फॉर्मूला है। तो मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है 98, गिवन मास के जगह पर क्या दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम दिया है हम लोगों के पास, वो लिखा है 29% कि 29 ml उसमें H2SO4 है और इसको 100 ml तक डाइल्यूट किया गया है, यानी टोटल वॉल्यूम 100 ml है लेकिन इसमें 29 ml क्या है, H2SO4 है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यों हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं, 29% लिखा हुआ है। परसेंटेज कई तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, एक तो वेट बाय वॉल्यूम होता है कि 29 ग्राम 100 ml में है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है कि 29 ml 100 ml में है। यहाँ कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है और हमें डेंसिटी निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ वॉल्यूम को वॉल्यूम ही लेंगे। तो अब हमारे पास 29 ml का गिवन मास है 100 में, तो 1000 में कितना हो जाएगा, यानी कि 290 ml। तो 290 ml 1000 ml में क्या है आपका, गिवन वॉल्यूम है। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास निकालने के लिए डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं, गिवन मास निकल जाएगा। तो अब इसको लिखिए, मोलरिटी कितना दिया हुआ है 3.6। अब गिवन मास निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वॉल्यूम का, तो 1000 ml में 290 ml का H2SO4 है और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 98 से। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे मिलेगा D को निकालना है तो इसको इस पर लेते आइए, तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 3.6 इंटू 98 बाई 290। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.21655।
यानी कि 1.2 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, या 1.22, इसको अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 6 है तो ये 2 हो जाएगा, तो 1.22 करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आज के सेशन से हम आशा करते हैं कि आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब बना सकते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, आई होप कि इससे आपको मदद मिले। अब अगला सेशन एमएलपी का जो आएगा कल सुबह 6 बजे, उसमें हम लोग मिसलेनियस जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे और कुछ और तरह के टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जिसमें से फिर से कल कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके आंसर ढूंढेंगे और समझेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी का इतना सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये काफ़ी कष्टदायक रहा होगा, कष्टदायक तो पूरी ज़िंदगी ही है, फिर भी हम लोग जीते हैं ना, हार तो नहीं मानते, तो ये सब चलते रहता है। तो अभी 2 रेगुलर क्लास कोड एंड बायोलॉजी पे चल रहा है, कि एग्ज़ाम अपडेट जो कि आता है रविवार को और बुधवार को, और एमएलपी मॉर्निंग लर्निंग प्रोग्राम जो सुबह 6 बजे आता है। सप्ताह में 4 क्लास होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनसडे, थर्सडे को कोड एंड बायोलॉजी में छुट्टी रहता है और फ्राइडे को फिर हम एक क्लास लेते हैं इसका। तो आशा करते हैं कि अभी और 4 क्लास हम लेंगे इस वीक में, जिसमें से ऑलमोस्ट हम जनरल एप्टीट्यूड आपका सारा कवर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट और भी रह गया है मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए जाने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।